Assalamualaikum. This is Osama Aftab and I'm back with another video. Couldn't make videos due to illness. मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब थी 3-4 दिन, तो मैं वीडियो नहीं बना सका, but I'm back now and today we'll be discussing the match which just recently happened between Lahore Qalandars and Quetta Gladiators. So I was expecting much more from Quetta Gladiators and they are really disappointing this season as well. Quetta Gladiators जो है 135 रन बना सकी 199 का टारगेट चेस करते हुए एंड दे लॉस्ट बाय 63 रन विच इज़ सिग्निफिकेंट मार्जिन इन टर्म्स ऑफ T20 कम्प्लीटली दे वर डोमिनेटेड बाय लाहौर कलंदर्स। लाहौर कलंदर्स की अगर हम आज बैटिंग की बात करें तो जितने भी बैटर्स थे दे ऑल चिप्ड हैं, कोई भी आपको ऐसा बैटर नहीं मिलेगा जिसने कोई कंट्रीब्यूट ना किया हो। कंट्रीब्यूट इन अ सेंस कि बहुत कोई आपको सिंगल हैंडेड आपको सिंगल परफॉर्मेंस नज़र नहीं है, स्टैंड आउट परफॉर्मेंस नज़र नहीं आएगी, बट दे ऑल कॉन्ट्रीब्यूटेड टू दैट 199 का टोटल। 200 के स्ट्राइक रेट से आपके मिर्ज़ा बेग, सिकंदर रजा, हुसैन, 3 बैट्समैन हैं जो आपके 200 के स्ट्राइक रेट से ऊपर हैं। आप स्कोर्स देखें तो वो हैं 31, 26 एंड 32, यानी कोई हाफ सेंचुरी भी नहीं है पूरी उसमें। तो दिस शोज़ के जब आपका पूरा जो इतने भी बैट्समैन हैं दे ऑल कंट्रीब्यूट टू द टोटल, तो आपको बहुत एक मतलब कहें एक सिंगल इनिंग्स नहीं चाहिए होती 199 पहुंचने के लिए। यू कैन आपको आराम से 199 आप पहुंच सकते हैं। तो क्वेटा ग्लेडिएटर्स की बॉलिंग वाज अ बिट डिसअपॉइंटेड टुडे। नसीम शाह से आई वाज एक्सपेक्टिंग मच मोर, बट नसीम शाह को जब से ट्विटर पर उर्विश के मैसेज आई थिंक ज़रा इंस्टाग्राम से बाहर नहीं आ सके, तो ही उनका PSL बहुत अच्छा नहीं गया। फैरज हसनैन की जो बॉलिंग परफॉर्मेंस है आई एम सीइंग लॉट्स ऑफ इम्प्रूवमेंट, ख़ास तौर पे रीमॉडल एक्शन के बाद ही इज़ बॉलिंग प्रिटी गुड, ही इज़ रियली इम्प्रेस्ड मी इन दिस सीज़न। और आप बॉलिंग परफॉर्मेंस देखें अगर क्वेटा ग्लेडिएटर की तो आपको सिवाय मोहम्मद हसनैन के जो कि 8 रन इन ओवर गए हैं और मोहम्मद नवाज़ ने कोई बहुत 3 ओवर किए, 3 ओवर 26 रन 8 विकेट। बट मोहम्मद नवाज़ बहुत ही ऑफ कलर जा रहे हैं सीज़न, ना उनकी बैट से परफॉर्मेंस है ना कोई बॉल से परफॉर्मेंस है, तो वो लिटरली बहुत डिसअपॉइंट कर रहे हैं कंपेयर टू इमाद असीम और टॉप 5 लीडिंग रन स्कोरर्स में जो कि इनके डायरेक्ट कॉम्पिटिशन। इमाद असीम हैज़ लुक्ड अ मच बेटर प्लेयर कंपेयर टू नवाज़। नवाज़ स्ट्रगल भी कर रहे हैं लेफ्ट हैंडर को बॉल करवाते हुए, पहले इतना नहीं करते थे अब बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। बाकी कैस अहमद ने 2 विकेट्स ली, बट कैस अहमद ने भी कोई बहुत इम्प्रेसिव बॉलिंग नहीं की। क्वेटा का बॉलिंग यूनिट अच्छा है, बट अभी तक ओवरऑल पूरे बॉलिंग यूनिट से कोई बहुत अच्छा मतलब कि परफॉर्मेंस नहीं है। क्वेटा थोड़ी सी कंफ्यूज्ड भी लग रही है, कभी आप मोहम्मद हफीज़ को यूज़ ही बिल्कुल यूटिलाइज़ नहीं करते, आपको बैटिंग का नहीं पता चल रहा कि आपने किस नंबर में बैटिंग करवानी, कभी आप 8वें पे करवा रहे हैं। बॉलिंग में आप कभी उन्हें 1 ओवर दे रहे हैं, स्टार्ट करवा रहे हैं, कभी बिल्कुल बॉलिंग दे ही नहीं रहे। इफ्तिखार अहमद से ओवर करवाया जा सकता था, आई डोंट नो कि बहुत कोई हेल्पफुल होता, बट खैर इफ्तिखार अहमद भी आपके पास एक ऑप्शन है जब आपके सारे स्पिनर्स जो हैं वो लोड्स ऑफ रन लीक कर रहे हैं। नसीम शाह आज देखें तो 4 ओवर्स में 47 रन उन्होंने दिए, तो अप टू मतलब जिस तरह के नसीम शाह बॉलर हैं आई डोंट थिंक ही विल बी हैप्पी विद दिस इकॉनमी ऑफ ऑलमोस्ट 12, क्योंकि उनकी ओवरऑल इकॉनमी 6 और 7 के दरमियान जो है वो नॉर्मली होती है। बैटिंग में आप देखें तो बैटिंग भी एक परफॉर्मेंस आपकी क्वेटा ग्लेडिएटर में मार्टिन कप्टिल की आई है जहाँ पे उन्होंने 111 रन बनाए थे और टीम फिर भी बहुत कोई बड़ा टोटल करने में कामयाब नहीं हुई थी। 163 का टोटल आई गेस उन्होंने किया था जिस पे वो मैच जीत गए थे, बट ये है कि आज जेसन रॉय कुछ लगे फॉर्म में, उन्होंने हारिस रऊफ को छक्के मारे। हारिस रऊफ का भी इतना कोई बहुत अच्छा सीज़न नहीं जाता। The battle between Jason Roy and Shaheen Afridi was very exciting. उसके बाद जब Jason Roy out हुए तो it was literally a downhill. सरफराज अहमद मुझे बहुत disappoint कर रहे हैं इस सीज़न में in terms कि वो अपने ऊपर उनका वो confidence नहीं होता, वो मतलब कि अगर ऑल्सो आप ऑलमोस्ट मैच हार ही रहे थे, बट आप अपने आप को कम से कम बैक तो करो। आपने अगर इस सीज़न में ठानी है कि मैं ऊपर आके बैटिंग करूँगा तो दैन यू शुड कम अप एंड बैट। मोहम्मद रिजवान अगर आप देखें तो ऐसा नहीं होता, पाकिस्तान टीम से खेल रहे होते हैं, 200 का टारगेट है, तो ऐसा नहीं होता कि फ़खर जमान आके ओपन कर रहे हैं। रिजवान बैक्स हिमसेल्फ कि भाई वो 200 चेस कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि क्वेटा की मैनेजमेंट के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उन्हें बिल्कुल ही नहीं समझ आ रहा कि किस बैटिंग ऑर्डर के साथ जाना है, किस बॉलिंग के साथ या किस कॉम्बिनेशन के साथ जाना है, क्या गेम प्लान होना चाहिए। तो क्वेटा लिटरली बहुत ट्रबल में, और मुझे नहीं लगता इस डेडलॉक से अगर वो बहुत अच्छी जीत मिल गई तो वापसी हो भी सकती है, बट बहुत हाईली अनलाइकली है कि क्वेटा जो है कम बैक करे इस सीज़न में, मुश्किल लग रहा है। इफ्तिखार अहमद आपके कभी सेवियर बीच में हो जाते हैं, कभी कैप्टन हो जाते हैं। सरफराज की मतलब कि एक छोटा सा कैमियो था पिछले मैच में, बट कोई मैच विनिंग इनिंग्स नहीं थी। तो क्वेटा अब इस सीज़न फिर डिसअपॉइंटमेंट है, और जब से PSL पाकिस्तान में आया है आई हैवंट सीन क्वेटा परफॉर्मिंग वेरी वेल। तो इट्स आई गेस टाइम टू मेक सम चेंजेस। सरफराज अहमद को आप देख भी सकते हैं, आप कोई और कैप्टन भी देख सकते हैं टू यू नो ब्रिंग इन सम फ्रेश अप्रोच। आप कोचिंग में देख सकते हैं, कोचिंग में ऑप्शंस देख सकते हैं मुइन खान वगैरह के अलावा। तो आप बिल्कुल ये मतलब कि एक ही अप्रोच से जाए जा रहे हैं। दुबई में आपको सक्सेस मिली, बट हेयर आपको इस तरह सक्सेस मिल नहीं रही। तो क्वेटा नीड्स टू फाइंड आंसर्स प्रिटी क्विक। बाकी लाहौर कलंदर्स के बारे में एक कंक्लूड करें तो लाहौर कलंदर्स का बैटिंग ऑर्डर इट इज़ नॉट वेरी गुड, क्योंकि शुरू में आपके हार्ड हिटर्स हैं, फिर बीच में आपके पास बैटिंग में प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर आपको बड़ा टारगेट चेस करना है तो आपके पास तरह हार्ड हिटर्स नहीं है जो वो टारगेट आपको या वो एफिशिएंट स्कोरिंग आपको प्रोवाइड कर सकें। कमरान वलाम, शेहोब, हुसैन तलत, सिकंदर रजा, ये सारे के सारे ऑलमोस्ट एक ही तरह के बैट्समैन हैं। आप इनसे हार्ड हिटिंग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, जिस तरह आप इन कॉन्ट्रास्ट विद मुल्तान सुल्तान के केरन पगार, डेविड मिलर, आपके टिम डेविड, इनसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो लाहौर कलंदर्स यहाँ पे मिडल ऑर्डर में वो चीज़ लैक कर। बाकी इन टर्म्स ऑफ बॉलिंग में आई एम स्ट्रॉन्ग बिलीवर के बॉलिंग ही टूर्नामेंट जितवाती है, और आज आपने देख भी लिया। अगर 150-160 का टारगेट भी हो तो लाहौर कलंदर्स की आफ्टर द इंक्लूजन ऑफ राशिद खान इतना पोटेंट अटैक है कि वो लोग स्कोर्स डिफेंड कर सकते हैं। बाकी आज हारिस रऊफ की आप कंपैरिजन ड्रॉ करें जमान खान के और शाहीन अफरीदी के साथ, तो शाहीन अफरीदी का बॉल अंदर आ रहा था, जमान खान का बॉल जिप कर रहा था और बाहर जा रहा था। हारिस रऊफ रॉ पेस के साथ आते हैं। जब आपके पास पेस होती है तो फिर आपके पास कहें एक ही ऑप्शन होता है, जब सीम स्विंग नहीं है, पेस की वेरिएशन ऐसे नहीं हुई। इंटिमिडेट करने की कोशिश की थी हारिस रऊफ ने, बट उन पर उन्हें छक्के ही पड़े थे। लेंथ बॉलिंग करवाई 6, बाउंसर करवाए 6। पिच ट्रू था, बहुत ज़्यादा कैरी नहीं था कि आप बाउंसर से इंटिमिडेट कर सकें। इस तरह के जेसन रॉय या हफीज जो कि बहुत ही अच्छे बॉलर हैं, इस तरह के बैट्समैन को आप इंटिमिडेट कर सकें। तो हारिस रऊफ को थोड़े से अगर स्किल्स तो नहीं कहेंगे, थोड़ी सी देखनी पड़ेगी, अपने आप को रिविजिट करना पड़ेगा, थोड़े से बेटर प्लान के साथ आना पड़ेगा, एक स्ट्रैटेजी रखनी पड़ेगी, क्योंकि वो थोड़े से मतलब कि कहें आउट ऑफ ऑप्शंस थे, आउट ऑफ सॉर्ट्स थे कि क्या किया जाए। सीम स्विंग अब एकदम से तो आप नहीं जनरेट कर सकते या कुछ कर सकते, थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा अपनी बॉलिंग, ओवरऑल बॉलिंग के हिसाब से कि आपने किस तरह आगे इसको लेके चलना है। क्योंकि आप इन कॉन्ट्रास्ट शाहीन और जमान दे वर एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। तो क्वेटा का फ्यूचर थोड़ा सा ग्लूमी सा लग रहा है। मैं क्वेटा का मैंने आपको पहले भी बताया था, आई एम बिग सपोर्टर ऑफ क्वेटा, बीन सपोर्टिंग क्वेटा फ्राम सीज़न 1, बट थोड़ा सा मुझे लग रहा है इट्स टाइम फॉर चेंज। जो एक एलिमेंट था विब रिचर्ड्स का जो स्पार्क करता था एनर्जी और मोटिवेट करता था, वो भी मिसिंग है। तो क्वेटा बिल्कुल ही आज एनर्जी उनमें थी नहीं, वो फाइटिंग स्पिरिट ही नहीं थी, तो थोड़ा सा इन्हें देखना पड़ेगा। बाकी दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो एंड वी विल बी बैक फॉर अनदर वीडियो इंशाल्लाह। अगले PSL मैच के साथ। सो कीप वॉचिंग माई चैनल एंड थैंक यू फॉर ऑल योर सपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम।